हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको गुर्दे की पथरी यानी कि रीनल स्टोन या किडनी स्टोन अगर डायग्नोज हुआ है तो उसके लिए क्या करें। जनरली ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यूरिन जाने में परेशानी आने लगती है। अब चूँकि साथ में प्रेगनेंसी है तो दवाइयाँ बहुत लिमिटेड हो जाती है, हम हर कोई दवाई, कोई सी भी दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी दवाई हम लेते हैं वो बच्चे पर भी असर डालती है। इसलिए हमें कोई भी मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान सोच समझकर डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई सी भी गोली, दवाई, इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके गुर्दे में पथरी है यानी कि रीनल स्टोन या किडनी स्टोन है? तो किडनी स्टोन एक तरीके की स्टोन वाली बीमारी है, जिसमें कैल्शियम और अनेक पदार्थ, केमिकल्स गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं और जिनके कारण वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, यानी पत्थर का रूप ले लेते हैं। इसीलिए हम इसे पथरी की बीमारी भी कहते हैं। कई बार इसी पे और डिपोजिशन होते होते इसका साइज़ 2 mm, 4 mm से बढ़कर 1 cm, 2 cm तक भी पहुंच जाता है, और जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो वहाँ के हिस्से को ब्लॉक कर देता है और किडनी में जो यूरिन बन रहा है वो आगे नहीं जा पाता, जिसके कारण किडनी फूलने लगती है और दर्द करने लगता है। कई बार इसमें से कोई छोटा टुकड़ा निकलकर नीचे नली में पास हो जाता है, जिसे यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं, और जब यूरेट्रिक स्टोन यूरेटर से पास होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सिवियर पेन होता है, पेशेंट को इमरजेंसी में जाना ही पड़ता है, कोई इंजेक्शन दवाई लेनी ही पड़ती है। अब कई बार ये पथरी तो यूरिन के साथ पास आउट हो जाती है, और जब वो पास आउट होती है तो एक टिपिकल पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज चल रही है, यानी कि उसको यूरिन जाने के साथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कई बार तो यूरिन के साथ निकल जाती है, लेकिन कई बार वो इस जगह पे अटक जाती है, जिसको बोलते हैं। इसलिए इस स्टोन को हम लोग यूरेट्रिक स्टोन एट द जंक्शन यानी कि यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शनल स्टोन बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और ये फंसने के बाद फिर इसको दूरबीन के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ये अपने आप से नहीं निकलता। और जब तक नहीं निकलता तब तक इस किडनी से जो भी यूरिन बनकर इस नली के द्वारा वेसाइकल में यानी कि ब्लैडर में आना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता, और किडनी फूल जाती है और ये यूरेटर भी फूल जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो एक इमरजेंसी सर्जरी बन जाती है कि जो कि हमें तुरंत करवानी पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको इस तरीके का स्टोन है, इस तरीके की बीमारी है, तो आप क्या करें? तो आपको सबसे पहले इसका पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण ये हैं कि आपको एक तो कमर में पिछले हिस्से में दर्द होता है, जो पीछे से होके आगे की तरफ आता है और फिर नीचे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको दर्द हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो। तो आप पूरे पेट की अगर सोनोग्राफी कराएंगे या किडनी की सोनोग्राफी कराएंगे, जिसको KUB भी बोलते हैं, KUB सोनोग्राफी बोलते हैं, तो आपको सोनोग्राफी ही करानी है, KUB एक्सरे नहीं कराना है, क्योंकि एक्सरे बच्चे के लिए घातक होता है, नुकसानदेह होता है। तो हमें प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई एक्सरे नहीं कराना होता, सिर्फ सोनोग्राफी करानी होती है। और सोनोग्राफी में बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है, किस लोकेशन पे है, कितनी साइज़ का है, और वो उसका एग्जैक्टली उसका ट्रीटमेंट भी क्या होना है, वो भी काफ़ी हद तक आइडिया सोनोग्राफी से लग जाता है। दूसरा कॉमन लक्षण ये आता है कि दर्द के साथ अगर आपको यूरिन जाने में दिक्कत आ रही है, यानी कि यूरिन रुक रुक के आ रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, या फिर आपको पेशाब जाने में जलन हो रही है तो भी पथरी हो सकती है, या फिर पेशाब जाने के साथ आपको बहुत ज़्यादा चीज चल रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा है, तो कई बार पथरी खिसक के नली से नीचे पेशाब की थैली में यानी कि ब्लैडर में आ जाती है, तब भी आपको तकलीफ़ देने लगती है, तो भी इसको सोनोग्राफी से रूल आउट किया जा सकता है कि इसके अंदर पथरी तो नहीं है। दूसरा, पथरी के कारण कई बार इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो पथरी है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक फोकाई बन जाता है, एक जगह बन जाती है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया के ग्रो करने के कारण सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि किडनी का इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर का यानी कि पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, जिसको यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं, UTI बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, वो भी कई बार स्टोन के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पेन होता है, जलन होती है, यूरिन जाने में परेशानी आती है, और बार बार
यूरिन आता है, यानी कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और जैसे ही यूरिन पास करते हैं उसके बाद बहुत सिवियर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको लगता है कि हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और आपको कुछ बेसिक जांचें आपको करानी होती है, जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी सबसे पहला टेस्ट है। यूरिन रूटीन में आपको उसमें बैक्टीरिया पस सेल्स के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन का पता चलता है। अगर उसमें पस सेल्स पॉजिटिव आती हैं तो हमें उसका आगे कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराना होता है, ताकि हमें प्रॉपर बैक्टीरिया का नाम पता चल जाए और उस पर कौन सी दवाई काम कर रही है वो हमें पता चल जाए। ये हमें कल्चर टेस्ट से ही पता चलता है। और साथ में एक आपको सोनोग्राफी करानी होती है। सोनोग्राफी होती है वो होल एब्डोमेन सोनोग्राफी आप करा सकते हैं, यानी पूरे पेट की सोनोग्राफी करा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली आप किडनी यूरेटर और ब्लैडर की सोनोग्राफी करा सकते हैं, जिसको सोनोग्राफी KUB बोलते हैं। KUB यानी कि किडनी यूरेटर और ब्लैडर KUB सोनोग्राफी आप करा सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इवेल्युएट हो जाता है और प्रॉपर आपका पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे पथरी आपको है भी या नहीं भी या सिर्फ इन्फेक्शन ही है। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन से हमें कन्फर्म पता चल जाता है कि आपको पथरी है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि पथरी है तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बड़ा सोचने का क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में दवाइयाँ बहुत लिमिटेड होती हैं, हर कोई दवाई हम दे नहीं सकते और ऑपरेशन भी नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा होता है पेट में तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अब ये डिसीजन डॉक्टर के हाथ में होता है, लेकिन डॉक्टर ये डिसीजन आपकी कंडीशन के आधार पर लेता है और पथरे की लोकेशन और प्रॉब्लम के ऊपर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किडनी के अंदर अगर पथरी है, यानी कि रीनल स्टोन है, साइज़ बहुत कम है, यानी कि 4-5 mm या फिर लेस देन 1 cm साइज़ है और कभी कभार दर्द होता है, तो उसमें कभी कभार जब दर्द होता है तो आप पेन किलर मेडिसिन ले सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, यानी कि आप ट्रेमाडोल ले सकती हैं, पैरासीटामोल ले सकती हैं या फिर रोटावेरिन ले सकती हैं। तो ये कुछ दवाइयों के नाम हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और आपको इस दर्द से निजात दिला सकते हैं। बट फिर भी हमारी एक ही सलाह रहेगी बार बार आपको कि बिना डॉक्टर की सलाह के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिना कोई सी भी दवाई ना खाएं। अब अगर पथरी का साइज़ आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा है, 1-2 cm के आसपास है, यूरिन का ब्लॉकेज हो रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि अब क्या करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पथरी का ऑपरेशन होता है तो वो सी आर्म के अंदर होता है। सी आर्म एक मशीन होती है जिससे कि एक्सरे रेडिएशन कमर के ऊपर डाला जाता है, जिससे कि वो पथरी लोकेट होती है और फिर उसको तोड़ा जाता है और फिर उसको निकाला जाता है। अब चूँकि प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग रेडिएशन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान पथरी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बीमारी हमें आगे तक थोड़ा सा कंटिन्यूस झेलनी पड़ती है, प्रॉब्लम को अपने को फील करना पड़ता है या कैरी ऑन करना पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रीट एट दिस टाइम विद द प्रेगनेंसी, बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ द रेडिएशन, बिकॉज रेडिएशन इज़ वेरी मच हजार्डस टू द बेबी, सो वी कैन नॉट यूज़। सो दिस टाइम अगर इफ आपका साइज पथरी का बहुत बड़ा है तो फिर उसके लिए जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, यानी कि जो बिना सर्जरी के जो इलाज हैं वो ही आप ले सकती हैं, ऑपरेशन वाला इलाज नहीं करा सकते। और अगर फिर भी कराना ही पड़े तो ओपन सर्जरी आप कराएं ताकि रेडिएशन का खतरा कम से कम हो। अब कई बार किडनी से पथरी खिसक कर नीचे यूरेटर में आ जाती है या फिर इस जोड़ पर जंक्शन पर रहकर जहाँ यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन पर अटक जाती है, तो उसका तो इलाज आसान है। उसके लिए नीचे से दूरबीन डाली जाती है और वहाँ पे पहुँचकर दूरबीन से उस पत्थर को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद में वो यूरिन के साथ निकल जाता है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होने के कारण वो इस जंक्शन पे अटक गया है। अगर हमने इसको क्रश कर दिया तो ये अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगा। और ये सिंपल से सिडेशन में, यानी नींद के इंजेक्शन में या हल्की बेहोशी के अंदर ये ऑपरेशन होता है, इसमें किसी प्रकार का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है। तो ये ऑपरेशन प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है और बड़ी सेफली किया जा सकता है। तो अगर यूरेटर में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है तो उनको दूरबीन डालकर, यानी कि सिस्टोस्कोप डालकर निकाला जा सकता है और बहुत सेफली निकाला जा सकता है। तो इस तरीके के स्टोन के लिए आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दर्द अगर आपको है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके आप बीमारी का पता लगाइए और अगर ऑपरेशन की नीड है तो आप उसे ज़रूर करवाइए, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो पथरी यहाँ अटकी हुई रहती है जोड़ पर तो आगे से पेशाब का फ्लो रोक देती है, यूरिन का फ्लो रोक देती है, जो कि किडनी में फुलावट का कारण बनता है और फाइनली किडनी को डैमेज करता है। तो हमें उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि बिना ऑपरेशन के क्या इलाज किया जा सकता है, क्योंकि जिससे पथरी निकल भी जाए और बच्चे को नुकसान भी ना हो, और ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो पथरी होने पर ली जा सकती है
जिनका कि बच्चे पर असर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है पानी। पानी को हम लोग मेडिसिन के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है और हर कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है, बट अगर आप समझेंगे तो पानी बहुत बड़ी मेडिसिन है जो सबके लिए इजीली अवेलेबल है। अगर आप दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीती हैं तो आपका यूरिन फ्लो बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण पथरीका जमाव नहीं होता, पथरीका साइज़ बढ़ता नहीं है, और छोटी मोटी पथरी अगर कोई है 4-5 mm की, 6 mm की, तो वो फ्लो के साथ निकल जाती है। तो ये आप इंश्योर करें कि आपको दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने मोबाइल में हर घंटे का एक अलार्म लगा सकती हैं कि मुझे पानी पीना है, ताकि रिमाइंडर आ जाए और आप पानी पी सकें। हर घंटे 1 से 1.5 गिलास पानी अगर आप पीती हैं तो दिन भर में आप 3 से 4 लीटर या 4 लीटर एटलीस्ट आपको क्रॉस करना ही है, तो वो कैसे भी करके आपको लेना है। सिंपल पानी अगर आपसे नहीं पिया जाता तो आप छाछ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकती हैं, या और भी किसी फॉर्म में, नींबू पानी के फॉर्म में और किसी फॉर्म में भी अगर आप पानी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स अंदर जाने चाहिए। दूसरा, कैल्शियम डिपॉजिशन। अगर कैल्शियम की पथरी है और हम प्रेगनेंसी में बहुत सारा कैल्शियम भी देते हैं तो वो डॉक्टर की एक बार सलाह कर लें कि आपको कैल्शियम का एग्जैक्ट डोज कितना चाहिए। बेसिकली कई बार अच्छी ग्रोथ के लिए या अगर आपका बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम आता है तो कैल्शियम का डोज थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, तो अगर पथरी का पेशेंट है तो डोज को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो वो एक बार अपने डॉक्टर से आप राय कर लें कि एग्जैक्टली कैल्शियम का डोज कितना जाए, ताकि आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी ना हो, आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी ना हो, लेकिन एक्सेस कैल्शियम के कारण स्टोन डिपॉजिशन ना हो। तो ये हमें बैलेंस करना पड़ता है कि नुकसान ना हो के सिर्फ फ़ायदा हो। तो इस तरीके से कैल्शियम की डोज को आप अपने डॉक्टर के साथ एडजस्ट कर सकती हैं। तीसरा एक मिथ है कि बीज वाली चीज़ें खाने से पथरी बनती है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बीज वाली चीज़ें खाने से पथरी बनती है या ज़्यादा होती है। तो आप जो अपना नॉर्मल रूटीन डाइट है जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकती हैं, और कुछ मेडिसिन जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है इस पथरी को निकालने के लिए वो आप ले सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो बिल्कुल सेफ होती है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। मेडिसिन मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, हर दवाई का कुछ साइड इफ़ेक्ट और कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही दवाई खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जो भी दवाई लें डॉक्टर की सलाह के साथ लें। तो अब इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी भी और साथ में पथरी भी अगर है तो बहुत ज़्यादा घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इलाज अवेलेबल है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पॉसिबल है। डॉक्टर की सलाह के साथ अपना प्रेगनेंसी भी कैरी ऑन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज ज़रूर लीजिए। और बहुत सिंपल सस्ती मेडिसिन है पानी, पानी का यूज़ कीजिए। पानी पीने से पथरी नहीं बनती और जो पथरी है वो भी निकल जाती है। जैसे 4 से 5 लीटर पर डे आपको पानी पीना होता है। इसको आप अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, बट समहाउ हमें पता नहीं होता है। तो हमारा ये YouTube के वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको अवेलेबल कराएं, ताकि आपका हेल्थ और आपकी प्रेगनेंसी दोनों बहुत अच्छे से चल सके। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।